में सोसड़की साइंस फैकल्टी के बॉटनी डिपार्टमेंट में दो दिन पहले ही एक विद्यार्थिनी का नमाज पढ़ता वीडियो वायरल हुआ था, जिस संदर्भ में मीडिया के समक्ष निवेदन देने वाले वैसे विद्यार्थी को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले अपराधी की सैजगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई। पहले से ही विविध मुद्दों को लेकर विवादों का स्थान बनी रहती वैसी एमएस यूनिवर्सिटी में फिलहाल नमाज पढ़ता वीडियो वायरल होने की घटना के कारण चर्चा का स्थान बना है। ऐसे में शुक्रवार के दिन साइंस फैकल्टी के बॉटनी डिपार्टमेंट में एक विद्यार्थिनी का नमाज पढ़ता वीडियो वायरल होने के साथ सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जो ये वायरल बने वीडियो के साथ एक बार फिर एमएस यूनिवर्सिटी विवाद का स्थान बनी है। ऐसे में नमाज पढ़ते वैसे वीडियो के बारे में मीडिया के समक्ष निवेदन देने वाले वैसे विद्यार्थी कुलदीप जोशी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिस संदर्भ में पीड़ित विद्यार्थी वैसे कुलदीप जोशी द्वारा कल ही सैजगंज पुलिस थाने में फोन पर दी गई वैसी जान से मारने की धमकी के संदर्भ में शिकायत दर्ज करवाई गई। तो वहीं नमाज के मामले में विद्यार्थी को धमकी देने वाले वैसे अपराधी की सैजगंज पुलिस द्वारा गिनती के ही घंटों में गिरफ्तारी की गई है। एमएस यूनिवर्सिटी के साइंस फैकल्टी के विद्यार्थी वैसे कुलदीप जोशी द्वारा नमाज पढ़ते वैसे वीडियो के बारे में मीडिया के समक्ष निवेदन दिया गया था। ऐसे में देर रात कुलदीप जोशी को अनजान नंबर से फोन पर विभत्स गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी दी गई थी। ऐसे में विद्यार्थी द्वारा सैजगंज पुलिस थाने दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर सैजगंज पुलिस ने जारी की सघन तहकीकात में आखिरकार पुलिस ने नागरवाड़ा विस्तार में रहता वैसा अम्मार गजियावाला की गिरफ्तारी की गई है, जहां कुलदीप जोशी को फोन पर गाली गलौज के साथ विभत्स धमकी और देने की घटना अंतर्गत पुलिस ने जारी की तहकीकात में अपराधी वैसा अम्मार गजियावाला की गिरफ्तारी कर सघन कार्यवाही का दौर जारी किया है।